भाई दे चेक करो केटी मार्सी 200। ओ भाई क्या बात है, मार्सी 200। तो गाइस देख रहे हो अभी पीछे कॉल गिरा और ये टूट गया, क्या कर सकते हैं यार, इतना सही था, इसको पहले ही नजर लग गई थी। भाई ये देखो सीट भी खुल गई है पीछे से, ऐसे तोड़ते हैं। तो गाइस देख सकते हो बाइक कैसी मॉन्स्टर है, देख रहे हो डुअल एग्जॉस्ट दिख रहे होंगे आपको। बहुत लाउड है गाइस, बहुत लाउड है। 190, 192। तो गाइस अभी एक छोटी सी ड्रैग रेस करते हैं अपनी KTM RC 390 वर्सेस Benelli 600i का। ओ भाई देख रहे हो KTM RC 390 पीछे रह गई, इनिशियल बहुत ज्यादा यार इसका। गाइस बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही, देख रहे हो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, होप सब अच्छे होंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आलियान व्लॉग्स। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसे कि आपने कल देखा मेरा सीट कॉल टूट गया था यार, पता नहीं क्या हुआ, वो लूज हो गया था। बड़े दिनों से मैं सोच रहा था उसको टाइट करवाऊंगा पर टाइम ही नहीं लग रहा था हमें। तो एंड में ये हुआ कि वो टूट गया और उसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत गंदी थी यार। मुझे सबसे अच्छी चीज अपनी बाइक में कुछ लगती थी ना, वो था सीट कॉल, बिकॉज वो किसी और बाइक में नहीं लगा था तो वो एक अलग लुक देता था बाइक को यार, वही टूट गया। तो देख सकते हो बाहर लगी है अपनी बाइक, तो बाइक की भी हालत दिखाता हूँ, बहुत गंदी हो गई है ऑफ रोड की वजह से। तो बाइक को भी वॉश करते हैं फिर निकलते हैं हम। Yesterday. तो गाइस लोकेशन चेक करो यार, अभी हम जा रहे हैं अंदर पानी में, देख रहे हो ये देखो पानी आ गया। ओ भाई पानी कैसे उड़ रहा है, देख रहे हो गाइस। ओ भाई इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर है। बाइक देखो कैसे चल रही है यार। गाइस ग्रीनरी चेक करो इधर यार, क्या बात है भाई, पहले इधर इतनी ग्रीनरी नहीं थी। गाइस ये चेक करो KTM RC 200। ओ भाई क्या बात है, ओ भाई। तो गाइस आगे चलते हैं, अभी यहाँ पे इस लोकेशन पे थोड़ा बहुत ऑफ रोड किया हमने। भाई इस जगह की ग्रीनरी सबसे सही है यार। यार क्या हो गया, ओ हो भाई बड़ी मिट्टी है यार लगी मेरे को, पकड़ बाइक पकड़ एक मिनट, टूटने दे यार, जो टूटता है यार, देख रहे हो इतनी मिट्टी है यार, क्या बोले बंदा यार, लगी मेरे को, टूटा तो नहीं कुछ भाई, बचाव हो गया, टूटा नहीं कुछ, ये नहीं, ये तो पहले से निकल रहा था, बचाव हो गया यार, शुक्र है मिट्टी थी, कुछ और होता सीन हो जाना था। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं यार, थोड़े से स्क्रैच वगैरह आ गए, लगी नहीं ज़्यादा, स्टार्ट ही नहीं हो रही बाइक, गाइस बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही, देख रहे हो। हो गई भाई, पता नहीं क्या चीज़ लगी नीचे इसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो चलो अब थोड़ा जल्दी क्रॉस करते हैं इसको। ओ पानी देखो, पानी देखा आपने, गाइस गोप्रो साफ कर लेता हूँ। तो गाइस देख रहे हो अभी पीछे कॉल गिरा और ये टूट गया, क्या कर सकते हैं यार, इतना सही था, इसको पहले ही नजर लग गई थी, पीछे गिरा, मेरा कैमरा ऑफ था। तो भाई ये देखो सीट भी खुल गई है पीछे से, क्या सीन हो रहा है यार, कोई पता नहीं चल रहा है, देख रहे हो अंदर से पूरा ही अलग हो गया, सब टूट गया, ऐसे तोड़ते हैं। चलो The next day. So guys, यहाँ पे लगी अपनी बाइक और देख सकते हो बाइक कितनी गंदी हो गई है, देख सकते हो कितना कीचड़ चढ़ा हुआ है। और यार ये देखो भाई अपनी सीट बिल्कुल खाली हो चुकी है, बिकॉज जो काउल था वो हमारा टूट गया था यार, काउल ही एक अलग सी लुक दे रहा था, मतलब किसी और बाइक में नहीं लगा था सीट काउल मेरी बाइक को छोड़ के, तो वही सबसे अलग चीज़ लग रही थी और वही टूट गया यार कर। और गाइस दुख की बात ये है कि ओल है ये, लो दुख की बात एक और हो गई, गिर गया। तो गाइस दुख की बात यह है कि ये सीट काउल एक और अवेलेबल नहीं है, मतलब सिंगल पीस था विकी भैया के पास तो वो मैंने ले लिया था, मैंने कल की थी विकी भैया से बात कि मैंने कहा और पीस पड़े हुए हैं, बिकॉज मुझे वो लगाना ही लगाना है, जहां मर्जी से मिले, दिल्ली से मिले, कहीं से मिले, मैं मंगवाऊंगा और लगाऊंगा, बिकॉज यार वो बहुत खतरनाक लुक दे रहा था बाइक को, मतलब एकदम बीस्ट वाली लुक दे रहा था, मॉन्स्टर टाइप लुक दे रहा था। अब देखना पड़ेगा कहाँ पर मिलेगा, अगर आप लोगों को पता है कि कहाँ पर मिल सकता है तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या इंस्टा पर DM करके बता देना। तो गाइस देख रहे हो एक एक करके हमारी सारी मॉडिफिकेशन उतर
उतर रही है। सबसे पहले ये टूटा था, जैसे कि आपको पता होगा लीवर प्रोटेक्टर टूट गया था, फिर ये क्रैश गार्ड निकल गया था, ये तो मैंने फिक्स करवा लिया चलो, और फिर यार एक काउल टूट गया, तो यार पता नहीं क्या हो रहा है कि करके सारी चीज़ें हो रही हैं, पर कोई चक्कर नहीं है, मैं वापस फिक्स कर लूँगा, मंगवा लूँगा कहीं से, पर मुझे चाहिए वही वाला जो लगा था। और हैं वहाँ पर उनमें ऐसी बात नहीं है यार, वो ऑरेंज वाला बहुत खतरनाक लुक दे रहा था, पर उसकी बिल्ड क्वालिटी यार इतनी अच्छी नहीं थी, चलो क्या कर सकते हैं। गाइस कल मेरी बाइक भी गिरी थी ऑफ रोड करते हुए, जैसे कि आपको पता होगा, और ये जो है ना क्रैश गार्ड यार ये बहुत बचाव करते हैं बाइक को, देख सकते हो मैंने यहाँ पे भी विंगलेट लगाया, यहाँ पे भी लगाया, तो ये दोनों बच गए और फेयरिंग को भी बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ, देख सकते हो। तो गाइस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी इंस्टॉल कर लो अपनी बाइक में अगर आप फेयरिंग और मतलब वाइजर वगैरह बचाना चाहते हो अपना, तो ऐसा कुछ सीन है गाइस। तो चलो अभी निकलते हैं, बाइक कर लेते हैं वॉश अंदर कार वॉश में। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं कार वॉश के अंदर, और बस पानी मारेंगे, फोम वगैरह अप्लाई नहीं करने वाले आज हम, खाली पानी मारने वाले हैं ऊपर ऊपर से, बिकॉज गंदी हो जाती है, फिर से हम ऑफ रोड करने जाएंगे तो गंदी हो जाएगी। चलो गाइस जल्दी से वॉश कर लेते हैं इसको, फिर निकलते हैं। तो गाइस अभी हमारी बाइक वॉश हो गई है, तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं सीधा स्टैंड पॉइंट। A few moments later. तो गाइस अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टैंड पॉइंट, और यहाँ पे देख रहे हो हमारे साथ आ चुकी है R15, बाकी जो अपने दोस्त लोग हैं वो आ रहे हैं। तो गाइस आज हमारे साथ आने वाली है बेनेली 600i, जो कि मेरे सेकंड नंबर पे फेवरेट बाइक है 600 सेगमेंट में, और उसकी आवाज तो आपको पता ही है कैसी है, तो वो आने दो, उसका अच्छा सा रिव्यू बनाने वाला हूं। पहले मैं वही लेने वाला था पर फिर प्लान चेंज हो गया। तो गाइस फाइनली इधर देख रहे हो हमारे साथ है बेनेली 600i। तो गाइस देख सकते हो ये बाइक कैसी मॉन्स्टर है, देख रहे हो डुअल एग्जॉस्ट दिख रहे होंगे आपको, और डले इसमें SC प्रोजेक्ट, तो इसकी आवाज क्या हो सकती है वो तो आपको पता ही है। क्या बात है यार, इनलाइन 4 है, 4 सिलेंडर है गाइस, 600 सीसी में 4 सिलेंडर बहुत बड़ी बात है यार, क्या बात है। तो रेव करना थोड़ा, भाई 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 बहुत लाउड है गाइस, बहुत लाउड है। क्या नाम है आपके चैनल का? तो गाइस EM स्टंट्स करके भाई का चैनल है, तो जाके सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। तो चलो गाइस अभी हम चलाने वाले हैं बेनेली 600i, तो देखते हैं भाई क्या सीन है इसका, क्या बात है। पहला गियर 87 जाता है भाई बाइक का, ब्रेक्स वगैरह मैं पहले देख लेता हूँ, जब भी कोई बाइक चलाते हो पहले उसकी ब्रेक्स देखा करो कि भाई ब्रेक ठीक है। ABS है इसमें? ABS है। अच्छा अच्छा ठीक है। गाइस इसकी जो रियर ब्रेक है ना वो थोड़ी ठीक नहीं है, तो इंजन ब्रेकिंग करके रोकना पड़ेगा। इंजन ब्रेकिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, जब ब्रेक मार रही है ना आपको नीचे वाले गियर में शिफ्ट कर देना है, जैसे इसको इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। आवाज सुनो, बैकफायर सुन रहे हो, खतरनाक मॉन्स्टर है यार ये, क्या बात है। भाई ओ भाई ओ भाई, अभी इसमें ऐसी प्रोजेक्ट के एग्जॉस्ट लगे हैं, इसमें अगर एक्सेल के एग्जॉस्ट लगे हो ना तो फिर तो भाई क्या ही मजा आ जाएगा। तो गाइस अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं नेस्कैफे पे, और भाई यहाँ पे हमने लगा दिया बाइक। भाई ब्रेकिंग का इसका कुछ इशू है क्या? कम बज रही है ना, हाँ भाई क्या हाल है, क्या हाल है, थैंक यू, हेलो, क्या हाल है। तो ये प्लेट की वजह से हो रहा है ना, प्लेट की थोड़ी कंडीशन खराब है गाइस, देख रहे हो प्लेट की थोड़ी कंडीशन खराब है, पर भाई बोल रहे हैं मैंने शू कल डलवाए हैं, जिसकी वजह से वो भी हो सकता है कि ब्रेक तब कम बज रही है। थ्रॉटल तो गाइस चलो आगे चलते, हाँ नेस्कैफे आते हैं, चलो आप ठीक है, ओके। तो गाइस अभी हमें हमारे सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, भाई खाली रोड है तो खींचते हैं इसको, टच की मैंने 200 प्लस जाती है गाइस ये बाइक पर, आपको पता है रोड नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ला सामने आ गया तो क्या हो जाएगा वो तो पता ही है आपको। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको ये बाइक कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं ये बाइक लूँ तो वो भी बताना। वैसे यार मुझे बाइक बहुत पसंद है, पर यार इसकी लुक वाइज मुझे इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि इसका जो ये नेक्ड बाइक है और मुझे नेक्ड बाइक पसंद नहीं आती है, इसकी जो आगे से फेस है ना वो बड़ा नॉर्मल लगता है यार मुझे, पर पावर और आवाज यार बेहिसाब है इस बाइक में, तो देखते हैं यार क्या सीन रहता है।
आप लोग भी कमेंट करके बताना, अपने व्यूज देना इस बाइक को लेके। अभी हम चलते हैं नेस्कैफे, एक थोड़ा टेस्ट करते हैं बेनेली वर्सेस केटीएम आरसी 390। ऑब्वियसली ये जीतेगी, पर फिर भी एक छोटा सा टेस्ट कर लेंगे। तो गाइस अभी एक छोटी सी ड्रैग रेस करते हैं अपनी केटीएम आरसी 390 वर्सेस बेनेली 600 आई का। तो गाइस चलो अपना ड्रैग शुरू करते हैं, पर यार बहुत ट्रैफिक है तो वो भी देखना पड़ेगा। चलो भाई देख रहे हो केटीएम आरसी 390 पीछे रह गई, इनिशियल बहुत ज्यादा है यार इसका। गाइस आगे ट्रैफिक ही बहुत है यार, क्या ड्रैग रेस बनाया समझ नहीं आ रही है। क्या बात है भाई, देख रहे हो केटीएम भी भाग रही है यार। चलो पीछे करते हैं केटीएम को यार, आगे गाड़ियां चल रही है। ओ बाबा पावर देखो भाई, पीछे करने वाले हम 180 गई केटीएम पीछे। क्या बात है भाई, बेनेली कहां मानेगी केटीएम को यार। तो गाइस देखा अभी आपने ड्रैग रेस, यार मजा आ गया। मेरे चार पड़े थे, आप वो में आ गए। कहां तक गई है लास्ट टॉप एंड? हाँ मैंने इसका 192 जाते वक्त, 173 ये जाती, 4 पे लॉक हो जाती है। हाँ बहुत बहुत अच्छी बाइक है, बस यार ब्रेकिंग का देखो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेकिंग। तो चलते गाइस अभी आइस टी वगैरह पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस देख रहे हो भाई हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिले अभी यहाँ पे, बोल रहे हैं कि टेस्ट राइड लो हमारी बाइक की। कौन सी बाइक है आपके पास? MT। क्या बात है यार, चलो लेते हैं टेस्ट राइड। ये कितने सीसी है? अच्छा R15 150 cc है। तो गाइस अभी हम ले रहे हैं MT, यामाहा की MT है, उसकी टेस्ट राइड ले रहे हैं। भाई बोल रहे हैं मेरी बाइक की टेस्ट राइड लेके आओ, मैंने बोला कोई बात नहीं ले लेते हैं, देखते हैं कहां तक जाती है। इसका टॉप एंड चेक करते हैं, अभी 5th गियर डल गया, देखते हैं कहां तक जाती है भाई। बिल्कुल खाली रोड है गाइस, टॉप एंड टेस्ट हो जाएगा आराम से। तो 130 चढ़ चुकी है, 150 cc है, आई गेस 140 तक जाएगी, नहीं 132 पे लॉक होगी गाइस, रेव लिमिटर आ गया 132 पे। अच्छी बाइक है, और देख रहे बिल्कुल खाली रोड है आगे, 132 पे लॉक होगी, 133 पे जा रही है, फिर रुक जा रही है, अब शायद 133 चली जाए क्योंकि ढलान आ गई है ना। नहीं नहीं आ गई 133। तो गाइस ये है यामाहा की MT और ये जाती है 133, 150 cc है, तो ठीक है यार। R15 आई गेस 145 जाती है, मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब टेस्ट किया था R15 का टॉप एंड। तो गाइस पीछे शायद हमारे और सब्सक्राइबर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे भाई मेरे को देख के वेव कर रहे थे तो मैं रुक गया। हेलो क्या हाल है, ठीक हो? देखा मैं रुक गया, भाई बोल रहे थे आप रुकते नहीं हो, मैं रुक गया यार। जल्दी दो मैं खींचता हूँ, आ जाओ इधर आ जाओ आप छोटू, ठीक है? तो चलो मिलते हैं, बाय। ओके आप भी हो, ओके बाय, मिलते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपके चैनल्स का? चैनल्स का नाम बता दो। चंद्रशील ब्लॉग। तो गाइस जाके सपोर्ट करो भाई को। तो गाइस देख रहे हो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं फ्यूल पंप पे। तो क्या हाल है भाई, ठीक हो? फोटो लेना है? आ जाओ आ जाओ। बड़ी दूर से आ रहे हो क्या, बहुत हाँफ रहे हो भाई आप? अच्छा मेरे को ढूंढ रहे थे, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो गाइस अभी फ्यूल भरवाते हैं अपनी बाइक पे। तो गाइस फाइनली हमारा पेट्रोल फिल हो चुका है, तो अभी गूगल पे करते हैं भैया को, तो निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली अभी हमने फ्यूल भरवा दिया, तो चलो निकलते हैं, अभी चलते हैं नेस्कैफे, फिर वहाँ से चलते हैं स्टंट पॉइंट, छोटे मोटे स्टंट दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी हम जा रहे थे, फिर से हमें सब्सक्राइबर्स मिल गए यार, आज बहुत सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, चक्कर क्या है यार। हेलो क्या हाल है, ठीक हो? आ जाओ मैं लेता हूँ, लो इसकी, ठीक है एक और ले लो, एक और ले लो, ये लो भैया मेरे YouTube चैनल पे। YouTube चैनल है, क्या नाम है? अयान राइडर। तो गाइस जाके अयान राइडर को सब्सक्राइब करो। तो गाइस आज बहुत सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, मिलते रहो मुझे तो अच्छा लगता है। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं नेस्कैफे में, तो ये देख रहे हो अपनी सारी बाइक्स, तो निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं स्टंट पॉइंट। ओ भाई चेक करो यार कॉर्नरिंग, चेक करो लड़कों की। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टंट पॉइंट पे, क्या बात है,
तो गाइस जी 900 आ गई है, व्हीली चेक करो। ओ भाई ओ हो गाइस चेक करो, ये चेक करो गाइस, क्या बात। ओ हो करो ये देखो, उस्ताद मेंटल हो गया।